आपके लिए कई कार्स पे वीडियो बना चुके हैं, चाहे वो बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार हो या फिर हवा को चीर के निकलने वाली मस्टैंग। और ये सारी ही कार बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, लेकिन इनके अलावा हमारे पास एक चीज और है जो बहुत ही ज्यादा प्यारी है, और वो है हमारी जनता। इसलिए हमने सोचा आपके लिए कार्स भी बड़ी कर देनी चाहिए, और हम लेके आ गए हैं आपके लिए दो बाहुबली कार। एक है रेंज रोवर डिफेंडर और दूसरी है जीप रूबिकॉन रेंगलर। डिफेंडर का जो लुक है वो स्पोर्टी ऑफ रोड लुक है, और साथ ही में बहुत ही ज्यादा ये प्रीमियम भी लगती है। और यहाँ पे डिफेंडर की ब्रांडिंग, इसकी जो दोनों ही हेडलाइट है वो स्क्वायर शेप में है और देखने में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम, और इनका थ्रो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। अंदर ये जो राउंड सर्कल में एलईडी है ये डिफेंडर की सिग्नेचर एलईडी ग्रिल है। साइड से काफी बॉक्सी सा लुक है, यहाँ पे एक ग्रिल मिलती है जिससे वेंटिलेशन होता है, और इसके ऊपर भी ब्रांडिंग है, और साइड में भी ये जो ब्रांडिंग है वो रेंज रोवर ने ही करके दी है। इसके जो टायर्स हैं वो 20 इंचेस के 255 mm के हैं, और अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हो तो यहाँ पे आपको सीढ़ियां लगी हुई मिलती है जिसको आप ऑफ रोडिंग में यूज ले सकते हो। साइड में यहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं, और इस गाड़ी के अंदर टोटल 14 से 15 कैमराज है, और नीचे की तरफ ये एक एलईडी भी है जिसकी वजह से यहाँ पे डिफेंडर की ब्रांडिंग दिखती है अगर आप रात में इसको यूज करते हो। और इसके बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस आपने देखे होंगे कि भाई इसको आप एक बटन पे नचा सकते हो, मतलब इसने भर भर के कॉम्प्लेन पिया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये दो बटन्स हैं जिनको आप सिंपली प्रेस करोगे तो ये गाड़ी 80 mm से ऊपर उठ सकती है और 80 mm से ही नीचे जा सकती है। आज तक आपने किसी गाड़ी के साक फिन एंटीना के ऊपर कैमरा नहीं देखा होगा, लेकिन इसके वहां भी एक कैमरा है, और ये पूरा का पूरा 360 डिग्री कैमरा एंगल बनाता है। अब जब चाहो तब किसी भी कैमरा की फुटेज अंदर बैठे रिकॉर्ड कर सकते हो, एट द सेम टाइम देख सकते हो। और ये इकलौती ऐसी कार है जिसमें ऑफ रोडिंग करते वक्त नीचे भी कैमरा लगा हुआ है जिसमें आप देख पाओगे कि कितनी गहराई है, आप निकल सकते हो या फिर नहीं। वहीं इस रेंगलर का जो लुक है वो टिपिकल ऑफ रोडिंग स्टाइल में दिया हुआ है, इसमें बहुत ही कम आपको मेटल का यूज मिलेगा, हर साइड प्लास्टिक का यूज किया हुआ है, लेकिन इसके इतने ज्यादा पार्ट्स हैं जो आप हाथ में उठा उठा के डिग्गी में रख सकते हो, मतलब ये पूरी की पूरी गाड़ी खुल जाती है। आपने ऐसी दिखने वाली इंडिया में एक छोटी गाड़ी भी देखी होगी जो ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए की आती है, वो टिपिकल इसकी पूरी की पूरी कॉपी है। रूबिकॉन ग्रिल बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया में, लोग आफ्टर मार्केट लगवाते हैं, और ये वाली इसके अंदर भाई कंपनी फिटेड मिलती है क्योंकि ये असली रेंगलर है। यहाँ पे राउंड शेप में ये एलईडी लाइट्स मिलती हैं, ऐसी कुछ इंडिकेटर डिजाइन आपको देखने को मिलती है, और ये सेम चीज आपको थार में भी मिलती है, लेकिन वो 15 लाख की है और ये 70 लाख की है। और इतनी महंगी कार है तो ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों साइड हैं फोग लैंप्स। इसका साइड प्रोफाइल काफी लंबा सा फील होता है, काफी रगड़ फील देती है ये, और इसके नाम ही ऐसी खतरनाक खतरनाक ट्रेल्स को खत्म करने का भाई रिकॉर्ड है ना, कि इसके अंदर जो 17 इंचेस के अलॉयज लगाए हुए हैं यहाँ पे 35 इंचेस के लगा के आप किसी भी पहाड़ी में सीधा ही चढ़ पाओगे। और इन सब के बावजूद भी अगर आप कहीं फर्स्ट जाते हो तो आपको इसमें मिलता है 4x4 लो एंड 4x4 हाई, हर तरीके के मोड्स इसके अंदर हैं जहां पे आप किसी भी सिचुएशन में फंस ही नहीं सकते। और पीछे की तरफ ये जो बैक लाइट है वो डेफिनेटली हमने बहुत बार देखी है, लेकिन ये वाली जो है वो काफी ज्यादा कूल लगती है, और यहाँ पे भी इसके अंदर कैमरा मिलता है, और पीछे की तरफ एक मोटा सा टोइंग हुक। और ये जितनी ऑफ रोडिंग वाली व्हीकल दिखती है ऐसा लगता है कि भाई अंदर क्या ही होने वाला है, लेकिन अंदर इतना सब कुछ है जिसको देख के आपको लगेगा कि ओहो भाई किसी राजाशाही घराने में आ चुका हूं। ये अंदर एक मस्त सी डिस्प्ले दिखती है जिसका टच रिस्पॉन्स ठीक ठाक है, एट द सेम टाइम ये काफी कलरफुल दिखती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर पर आर की है, और इसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं कि मतलब आप सामने ऐसे बाल बनाने के लिए ग्लास में देखोगे और बटन गलती से दब गया तो भाई ये कैमरा में कन्वर्ट हो जाता है, डिस्प्ले है। और इसके अंदर जितनी ज्यादा कैपेबिलिटीज है उतने ही ज्यादा फंक्शंस भी है, और इसकी सीट्स के अंदर एयर वेंटिलेशन देखने को मिलता है, इसके भी सारे कंट्रोल आपको यहीं पे मिल जाएंगे। और भाई इसके अंदर ये वाला एनिमेशन देखो आप, ये कितना ज्यादा कमाल का लगता है, आप जिस कैमरा पे चाहो उस पे टैप करके उसका व्यू ले सकते हो। ऑफ रोडिंग वाले पे क्लिक करो, ये इसके नीचे का व्यू है। और इस गाड़ी के अंदर इतने सारे चार्जिंग पोर्ट हैं, हर सीट के लिए आपको अलग एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, चाहे आप फ्रंट में बैठे हो, बैक में बैठे हो, चाहे आप डिग्गी में बैठे हो। और ये इकलौती कार मेरे को लगती है जिसके अंदर यहाँ भी विंडोज देखने को मिलती है, हालांकि छोटी छोटी है लेकिन व्यू काफी मस्त आता है। और क्योंकि ये पूरी एक प्रीमियम कार है तो इसके अंदर कंफर्ट बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है, मतलब इसकी हाइट इतनी ऊपर है कि आपको इसके ऊपर चढ़ने के लिए ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, और हर जगह प्रीमियम फिनिश है, लेदर टच दिया गया है, और जो फील आपको स्कॉर्पियो की फ्रंट सीट पे बैठ के फील होती है ना, वो ही इसके अंदर भी होती है, बस उसके अंदर थोड़ी चीप वाली होती है, इसके अंदर प्रीमियमनेस एकदम भरी रहती है। एक सबसे कमाल चीज,
भाई इसका हाइड्रोलिक सस्पेंशन है। हाँ ऑब्वियसली इतने पैसे दिए तो आना ही चाहिए। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है ये सुन के कि इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर 2.0 लीटर 2000 सीसी का ही इंजन है, लेकिन सीसी पे सब कुछ डिपेंड नहीं करता भाई। ये 296 BHP की पावर को प्रोड्यूस करता है और 400 न्यूटन मीटर टॉर्क ये प्रोड्यूस कर सकती है। इसका जो टॉप एंड वेरियंट आता है वो 5000 सीसी का आता है और ये 0 to 100 करती है 7.4 सेकेंड्स में। इसका इंटीरियर डिफेंडर जितना प्रीमियम नहीं है लेकिन टिपिकल ऑफ रोडिंग वाला है, वो बहुत ही ज्यादा मैकेनिकल भी लगता है। भाई सबसे कमाल तो मेरे को ये लगता है कि इसके ग्लास डाउन करने के लिए कंट्रोल्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हैं। किसी नॉर्मल इंसान को ढूंढने में 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। लेकिन भाई जब भी आप इतनी महंगी गाड़ी लेते हो तो आपके प्रीमियम कम्फर्ट का पूरा ध्यान रखा जाता है। मतलब अगर आप सिगरेट विगरेट पी रहे हो ना, ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगा बिल्कुल एकदम लाल होके। और इसका स्टेयरिंग इतना ज्यादा लाइट है, इसको आप एक उंगली से ही घुमा सकते हो। इवन अब तो ये एक जगह खड़ी है, जब ये चलेगी जब और भी ज्यादा लूज हो जाएगा। और इसके अंदर 2 गियर मिलते हैं, इवन ये एक ऑटोमेटिक कार है। यहाँ पे एक नॉर्मल गियर जिससे आप ड्राइव या फिर रिवर्स पे डाल सकते हो, और यहाँ पे एक 4x2, 4x4, 4x4 लो और हाई का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से इसकी मेन पावर जनरेट होती है। और जैसे हमने इसकी ये वाली रूफ खोल रखी है, वैसे ही इसके साइड पैनल्स पूरी रूफ खोल के आप डिग्गी में रख सकते हो। और इसकी डिग्गी कुछ इस तरीके से खुलती है 2 टुकड़ों में। लगता है इन्होंने थार की कॉपी करी है। ऐसे पहले इसको बंद करने का होता है और दूसरा इसको। थार वालों को केस कर देना चाहिए रूबिकॉन पे। इन दोनों ही कार्स का ग्राउंड क्लीयरेंस बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से आप कहीं भी चलाओ आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। और भाई इसका तो बोनेट भी बिल्कुल थार की तरह खुलता है। भाई इसके अंदर हाइड्रोलिक नहीं है, ये जानबूझ के चाहते हैं कि इसकी पावर फील करे इंसान। टांगने के लिए क्या है? ओ भाई उल्टा भी दिया है। बाकी इसके अंदर भी सेम 2.0 2000 सीसी का इंजन है, 268 bhp के पावर को प्रोड्यूस करता है और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो इन दोनों बाहुबली कार्स को तो मैंने टेस्ट कर लिया, बाकी आपके लिए नेक्स्ट कार कौन सी लेके आए नीचे कमेंट में बताओ। और अगर ये वाला अच्छा लगा हो तो हमारा दबाओ सब्सक्राइब बटन। भाई इसकी प्राइस जो है वो 1 करोड़ से ऊपर है। ये तो मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था भाई। अभी हैरियर के ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ, यही क्वालिटी हैरी इसकी भी देख लेते हैं। ये हार्ड है भाई, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये रियल टाटा है।